एंड ऑल कलर के इसमें व्हाट इज दिस यार गाइस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे मेरे यूट्यूब फैमिली, होप आप सभी बहुत अच्छे के गाइस। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग। यस, तो मैंने फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट परचेस किया हुआ है, उसका हम अनबॉक्सिंग देखेंगे। तो मेरा नाम है प्रियंका और आपके लिए हाजिर हूँ एक नए वीडियो हॉल के साथ। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं गाइस, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो मुझे कुछ इस तरीके से पार्सल में मेरा प्रोडक्ट है वो फ्लिपकार्ट से परचेस किया है, तो इस तरीके से रिसीव हुआ है। एंड हम देखेंगे कि क्या मैंने ऑर्डर किया है। यस, डेफिनेटली मैं आपको अभी नहीं बताने वाली, ओपन करके हम साथ ही में देखेंगे कि क्या मैंने ऑर्डर किया है एंड कैसा मुझे रिसीव हुआ है। तो चलो लेट्स वी विल सी। तो मैं इसको ओपन कर रही हूँ एक नाइफ की मदद से एंड हम देखेंगे। तो कुछ इस तरीके के अंदर से भी इस तरीके का बॉक्स में प्रोडक्ट है वो मुझे मिला हुआ है। तो अभी हम इसका बॉक्स का अनबॉक्सिंग करेंगे। या तो वीडियो ही है अनबॉक्सिंग। तो या हमने ऑलमोस्ट ओपन कर लिया है, यहाँ से कट लगा लेती हूँ सिर्फ। एंड नाउ कुछ अंदर से कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। एंड उसको निकाल के देखें तो कुछ इस तरीके से, जिसको भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ से भी एक पट्टी मारी हुई है, गिर गया। तो या कुछ इस तरीके से रैपर में रैप रैप एंड रैप किया हुआ है। एंड फाइनली ये है हमारा प्रोडक्ट गाइस। यस, तो ये आई शेडो है, तो ग्लिटर आई शेडोज है गाइस। तो ये कलर्स क्वीन की ग्लिटर आई शेडो पैलेट्स है जो कि कुछ इस तरीके से मिली हुई है। एंड ये कलर क्वीन ब्रांड का प्रोडक्ट है। यस, तो इस तरीके से बॉक्स के अंदर ये पैलेट में मुझे मेरे आई शेडोज यस मिल गए हैं। एंड साथ ही में एक ब्रश भी है एंड कुछ इस तरीके का इसमें बॉक्स दिया हुआ है। पहले मैंने जब देखा ना, तो मुझे लगा कि जो इस पे इसके ऊपर जो डिज़ाइन स्टार स्टार बनी हुई है, तो मुझे लगा कि वो ग्लिटर के ऊपर है, बट नहीं, ये कुछ इस तरीके का ग्लिटर है। एंड उसमें भी आप देखें तो ये सारे नॉर्मल जैसे ग्लिटर आते हैं ना, वैसे ग्लिटर है। लेकिन ये साइड में ये है ना, ये थोड़े डिफरेंट टाइप के ग्लिटर है जो तीन लास्ट में दिख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रश मिल जाएगा छोटकू सा, जो कि टू साइड से यूज़ होगा। एंड ऑल कलर के इसमें व्हाट इज दिस यार गाइस। देखो मैंने इस तरीके से कहा तो ये ग्लिटर है वो दोनों निकल गए। तो आई थिंक पैकेजिंग तो अच्छी है, लेकिन ग्लिटर के जो ये पैलेट से वो चिपकाए हुए हैं ना, वो अच्छे से नहीं चिपकाए हुए। तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही दिखा रही हूँ, क्योंकि वो दोनों जो है वो ढीले है, बाकी के कोई नहीं, लेकिन वो दोनों है ना वो ढीले हैं, तो निकल गए। तो मैं उसको फ़िलहाल साइड में ही रख देती हूँ निकाल के, ताकि जब हम बार बार करें तो वो निकल ना जाए। तो मैंने वो दो आई शेडो को रख दिया है, बाकी के डेफिनेटली सारे चिपके हुए हैं। पता नहीं वही अच्छे से नहीं चिपके हुए थे तो, या बाकी के सही से चिपके हुए। लुक एट दिस। तो इस तरीके के ग्लिटर आई शेडोज है। एंड सारे के स्वॉचेस हम फटाफट देख लेते हैं। तो कलर्स देख लीजिए कितने कलर्स में है। डेफिनेटली ग्लिटर आई शेडोज है, तो इसके पिगमेंट वगैरह हम चेक कर लेते हैं फटाफट से। मैं इसको आपको हैंड पे स्वॉच दिखा देती हूँ। ओके, तो फटाफट आप देखते जाइए। तो पिगमेंटेड काफ़ी सही है, इजीली हैंड पे आ जा रहा है। एंड देखिए किस तरीके से है, और ये है तो कलर बहुत मस्त मस्त है। ये भी सुपर्ब कलर है, पिगमेंटेड भी काफ़ी अच्छे, इजीली हैंड पे आ जा रहा है, अप्लाई भी हो जा रहा है। तो ये सारे ही कलर बहुत अच्छे, दो तीन में और भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ। जैसे कि ये पिंक वन है, डार्क पिंक वन, तो ये भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो सारे ही है, उसके साथ थोड़ा सा वो कहते हैं ना वो चिपचिपा सा है, जिससे कि इजीली हम ऐसे अप्लाई करें ना तो आइस पे टीके। तो पाउडर फॉर्म में जो आते हैं ना आई शेडो, वो अप्लाई होने में थोड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज वो पाउडर में होते हैं। लेकिन ये उसके साथ ग्लू के साथ है, तो कितने अच्छे से चिपक रहे हैं। एंड ये इसका कलर बहुत मस्त है, जो ब्लू वन है ना, ये वाला बहुत ही मस्त कलर है। इसमें पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ट्रस्ट में बहुत अच्छा कलर है। एंड ये अभी हम ये येलो कलर है थोड़ा सा, उस पर देख लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है हैंड पे आने पे। एंड नाउ सी, तो डेफिनेटली है ग्लिटर है, तो चमक धमक वाला ग्लिटर है। यस, एंड आफ्टर अप्लाई भी देखिए मेरे हैंड पे रह जा रहा है। तो ये डेफिनेटली काफ़ी मस्त प्रोडक्ट है।
पता नहीं वो दो प्यालेट कैसे निकल गई, आई थिंक ग्लू अच्छे से नहीं चिपकाया होगा, दैट्स व्हाई रीज़न, अदरवाइज बहुत अच्छी है। एक और मैं आपको ये डार्क कलर है वो भी निकाल के दिखा देती हूँ अपने हैंड पे, ओके। तो देखिए एकदम ब्लू कलर है डार्क वाला, एंड नाउ देखिए बहुत ही मस्त कलर है सारे। एंड एक हम ये वाला थोड़ा सा जो डिफरेंट काइंड ऑफ का ग्लिटर है, बिकॉज ये ग्लिटर के साथ कुछ बड़े बड़े वो जो आते हैं ना सितारे टाइप, वो लगाए हुए हैं। इसको मैं कहाँ लगाऊँ, यहाँ लगा देती हूँ। तो उस तरीके से आपको दिख रहे कि नहीं दिख रहे हो, देखो तो इस तरीके से बड़े बड़े जो सितारे आते हैं ना और वैसे वाले इसमें यूज़ किए हुए हैं। तो ये बड़े बड़े ग्लिटर्स हैं, बाकी के जो नॉर्मल ग्लिटर आते हैं वैसे है। तो कुछ इस तरीके की ये पैलेट आएगी, बाकी के सारे स्वाचेस मैं आपको हैंड पे अप्लाई करके दिखा देने वाली हूँ। सो आप जो देखते जाइए साइड में कि किस तरीके से है, एंड एक आध हो सकेगा तो आपको आईज पे अप्लाई करके भी दिखा दूँगी, ओके। तो चलो एक अभी मैं फटाफट से अप्लाई करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको मोटा मोटा आइडिया है कि किस तरीके से होने वाला है। तो मैं ये जो लाइट पिंक है वो थोड़ा सा अप्लाई करके दिखा रही हूँ, उससे आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से होने वाला है। तो देखिए किस तरीके से अप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से सिंपली मैंने हैंड पे लिया हुआ है एंड ऐसे ही कर रही हूँ, एंड ये मेरे आईज पे अच्छे से आ जा रहा है। और देखिए इस तरीके से आप अपने आईज पे है ये ग्लिटर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल तो अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज प्रॉपरली नहीं लगाया हुआ डेफिनेटली, तो इस तरीके से लगने वाला है। तो आपको ग्लिटर आई शेडो बहुत पसंद है देन आप इसके साथ जाना चाहे तो जा सकते हैं, डेफिनेटली अच्छी है। एंड 300 समथिंग में मैंने नहीं, ओनली 300 में मैंने इसको परचेस किया हुआ है फ्लिपकार्ट से। पिगमेंटेड काफ़ी अच्छी है, ये सिर्फ दो प्लेट से जो कि अच्छे से चिपकी हुई नहीं थी तो निकल गई, लेकिन निकलने के बाद भी गिरी नीचे पर फिर भी टूटी नहीं है, अंदर से आई शेडोज निकले नहीं हैं। तो आप देख सकते कितने अच्छे से चिपकाए हुए हैं, तो दैट्स टू अमेजिंग कि गिरी पूरी पटक के नीचे फिर भी आई शेडोज नहीं टूटा, अंदर से नहीं निकला है। एंड बाकी की तो सही से है, पता नहीं वही क्यों निकल गई, तो वो तो मैं वापस से चिपका लूँगी, सो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये रही आई शेडो पैलेट, डिप कलर्स देख लीजिए, परचेस करना चाहे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हो जाएंगी। और ब्रांड है कलर क्वीन ब्रांड का ये प्रोडक्ट है जो कि फ्लिपकार्ट का है, तो आई थिंक बहुत अच्छी इसकी है। इसी के साथ इसमें ये आपको पीछे भी मिल जाएंगे, एक पीछे से भी करके दिखा देती हूँ, ये वाला है। और देखो हमने इस पर लिया, थोड़ा सा ही लिया है एंड अप्लाई किया, तो देखिए हो जा रहा है। तो डेफिनेटली ये पीछे से भी कर सकते हैं, बाकी हैंड से मैं जो मुझे तो ग्लिटर है ना हैंड से अप्लाई करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उससे क्या होता है ब्रश से इधर उधर हो जाता है, जबकि हैंड से हम प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो 300 रुपये में ये वर्थ फॉर मनी है गाइस, बाकी आपको पसंद आता है देन आप इसके साथ जा सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हो जाएगी एंड देन वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा अनबॉक्सिंग वीडियो गाइस, जो कि एक आई शेडोज था। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और कभी कोई डाउट क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी तरीके से कोई अदर पैलेट वगैरह का रिव्यू हॉल आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में उस प्रोडक्ट की लिंक कोड दे सकते हैं, तो वहाँ से मैं परचेस करके उसका भी आपको रिव्यू है वो दे दूँगी, ओके। तो होप कि आपको मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू है वो पसंद आया होगा। तो चलिए देन मिलते हैं इसी तरीके से अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।